बहुत शुक्रिया आपका. एंजॉय कीजिए. वाह मजे की है. याद नहीं ऐसी कॉफी आखिरी बार कब पी थी. यानी मैं ज्यादातर चाय पीती हूँ और वही एंजॉय करती हूँ, मगर ये कॉफी बहुत मजे की है. थैंक यू. क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ रहती हैं? बिल्कुल. मेरे पास अपना घर है. बाहर गेटेड कम्युनिटी का नाम सुना है? आपको पता नहीं होगा वो जगह बहुत दूर है. तुम्हारी अम्मी आई है जान. हेलो, आप कैसी हैं? हेलो बेटा. जान कैसे हो तुम? ठीक. कैसे ढूंढा मुझे? बस यूं ही अंदाजा लगा लिया मैंने. यहां का कैसे मालूम हुआ आपको? एक बार मैंने तुम्हें यहां फॉलो किया था. चलो बेटा अब घर चलते हैं अपने. इनको मजीद तकलीफ नहीं दो अब तुम. बाबा भी परेशान है तुम्हारे. पीछा किया आपने मेरा? हाँ बिल्कुल, मगर तुम नाराज ना हो, माँ ऐसा करती रहती हैं. हाँ बिल्कुल, बाप भी करते हैं. यानी ये सब नॉर्मल है, हम बच्चों की परवाह करते हैं. आपको मेरी इतनी परवाह है, मुझे नहीं था मालूम. ठीक हूँ, मैं फिलहाल यहीं रहूंगा. ठीक है बेटा, बहुत हो गया, बस अब घर चलो. अब इतनी देर किसी का मेहमान नहीं रहते, बुरी बात है. चलो. मेरे यहाँ रहने से कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको. मुझे यकीन नहीं है आप पर, और आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो. नहीं बेटा, जानती हूं तुम्हारी माँ की जिंदगी नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि तुम्हारी नॉर्मल रहे. चलो बेटी, हम दोनों चल के अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं. ठीक है बाबा जान. आ जाओ. I'm sorry, बेटा. तुम माफ कर दो मुझे. मैं बेबस थी. काश ऐसा कुछ ना होता बेटा. देखो, मैं अभी भी इस शर्ट में फिट हूं. एक पाउंड भी नहीं बढ़ा. इतनी परेशान थी मैं तुम्हारे लिए कल. आई डिडंट नो तुम ज़ैनब के साथ रابطے में हो. वो तो गायब थी ना? हाँ, वो गायब थी. फिर वो नमूदार हो गई और तुमने उसकी जान बचा ली. अब से मेरा ज़ैनब के साथ कोई लेना देना नहीं है. क्यों नहीं? मैं थक गया हूं. मैं जानता हूं शायद तुम भी मुझसे थक गई हो. अगर हम दोनों कोशिश करें तो फिर से एक बार साथ हो सकते हैं. क्या तुम वाकई लौटना चाहते हो? इतने अरसे के बाद आया और मुझे हक भी नहीं किया. मैं नींद में था. जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत अब भी मुझे अच्छा महसूस करवाती है. तुम वो महफूज मकाम हो जहां मुझे सुकून मिलता है. मैं तुम्हारे साथ सुकून तलाश करना चाहता हूं रिता, मगर जानता नहीं कि ये मांगने का हक रखता भी हूं या नहीं. इनकार कर भी दूं तो दिल जुबान की नहीं मानेगा. आज तुम काम पर थोड़ा लेट नहीं जा सकती? चलो मिलकर नाश्ता करते हैं. तुम चाय बना लो, मैं जाकर बाहर से कुछ सामान ले आता हूं. घर पर तुम्हारी पसंद की हर चीज मौजूद है. लेकिन इतने दिनों से पड़ी है तो मेरा ख्याल है कि वो खराब हो चुकी होंगी. नो, ऐसा कुछ नहीं है. चलो उठो. आओ मुस्तफा, सूटकेस उठाओ और टैक्सी में रखो और फिर से एड्रेस पर छोड़ो. ये किसके सूटकेस हैं डॉक्टर साहब? तुम्हें क्या, जिसके पीऊं, बस उन्हें वहां पहुंचा दो. ये लो रखो. ये टैक्सी के लिए काफी ज्यादा पैसे हैं. कोई बात नहीं, बकाया रकम तुम रख लेना. हाँ.
बहुत शुक्रिया। चलो चलो जल्दी करो। लगता है कुछ अरसे बाद हम लोग अपनी जिंदगियां भी सोशल मीडिया के जरिए गुजारेंगे, किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। बैंक भी बंद हो जाएंगे, उनके मुताबिक कुछ कागजात प्रिंट करने होंगे और उसके बाद पैसा आपके पास होगा। ये तो बहुत स्टूपिड बात है बेटा, इस तरह तो बहुत फ्रॉड्स होंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर है सिक्योरिटी भी डेवलप करेंगे, वो चिप सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना, जिसके बारे में इन दिनों बात भी हो रही है। मुस्तकबिल में उसे आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा और उससे जैसे ही मेरे दरवाजे से पुलिस चली जाएगी तभी आप अपनी बेटी से मिल सकती हैं। आपके पास बस आधा घंटा है। आप मेरी बात नहीं सुन रही क्या अम्मी? रुको बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारी बहन के बारे में एक इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है मेरे साथ काम ना करो, लेकिन ट्रस्ट मी उस सिक्योरिटी कंपनी का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें वाकई तुम जैसे किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, और सिनान उनके क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत आला दर्जे के लोग। ठीक है। बाय द वे मैं इत्तेफाकन ही उन लोगों से मिली थी, वो हमारे किसी टेनेंट या किसी वेंडर के साथ काम करते हैं शायद। रिदा मैंने कह दिया ना ठीक है, मुझे उनके नंबर भेज दो, मैं उन्हें फौरन फोन करूंगा। क्या वाकई में? तो इस बार तो मुझे बात करने पर मजबूर नहीं करोगे? ओ रिदा। हाँ ज़ैनब, चिल्लाओ मत, मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। एक सेकंड आराम से बोलोगी? क्यों आराम से बात करूं? लानत हो, तुमने हर चीज बर्बाद कर दी है। पुलिस को फौरन उस आदमी के घर के बाहर से हटवाओ। समझ आई तुम्हें? तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। हाँ हाँ उस आदमी ने मैसेज किया है। तुम कहाँ हो अभी? मुझे लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ। ठीक है जो तुम कहोगी वही होगा। तुम मुझे उसका मैसेज भेजो, मैसेज भेजो मुझे उसका जल्दी से। ओकान साहब, अच्छा देखिए क्या आप मेरे फोन से अपने घर की लोकेशन भेज सकते हैं? है। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। बस अब इंशाल्लाह मेरी बेटी मिल जाएगी मुझे। मेलिस क्या मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकती हो? हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप कभी नहीं बदलेंगी अम्मी? कभी परवाह नहीं हुई आपको मेरी? एलिफ मर चुकी है, हकीकत कबूल कब करेंगी? मैं जो जिंदा हूँ उसका क्या? बेटा तुम्हारी बहन मिल चुकी है हमें। अम्मी आप कल मरी क्यों नहीं? एमरे मेरी बात सुन रहे हो? अपनी टीम को अभी वहां से हटाओ। उस आदमी को शक हो चुका है, अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते? उन्हें वापस बुलाओ जल्दी से, समझे? समझ गया सर। चलो हमें निकलना है फौरन। ये रही ना बात। ओ ताला। बच्ची जो अकेली बैठी है, बेंच के पास जाओ और खामोशी से उसके पास बैठो। बच्ची से एक लफ्ज भी मत कहना, मैं तुम्हें अगला स्टेप जल्द बताऊंगा।
हो, देखो कैसे पटर पटर देख रही है, बहुत जहीन बच्ची होगी ये। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें इतना प्यारा तोहफा दिया अहमद, मगर पहले मेरा बेटा जान आता है, पहला तोहफा है। यकीनन, लेकिन जान अपनी पैदाइश पर इससे भी ज्यादा खूबसूरत था। ऑफ कोर्स, सबसे प्यारा जान ही था। बेटा चलो कुछ खाने के लिए लाते हैं, फिर हम आपकी दादा दादी को लेने जाएंगे, उनकी बस पहुंचने ही वाली है। मम्मा किसी को मेरा टैबलेट इस्तेमाल ना करने देना। ठीक है बेटा। अहमद सुनो, मैंने मीट बॉल्स और मैश पोटेटोस बनाए हैं, उन्हें फ्रिज में रख दो ताकि ताजा रहे। क्या तुमने इस हालत में पकाया? पागल हो तुम, कसम से। मम्मा मेरा टैबलेट किसी को मत देना। तुम्हारी बहन को टैबलेट छेड़ने के लिए काफी वक्त लगेगा। आह एलिफ मेरी कितनी प्यारी बेबी है, छोटी सी गुड़िया, देखो बिल्ली जैसी लग रही है। हेलो बेटा। क्या आप जैनब साहिबा हैं? जी हाँ। आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था? आपने पहले मुझे पैदा किया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। मैं बाबा ठीक हो जाएंगे, मैं उनकी देखभाल करूंगी, वो अच्छा खाएंगे और जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मैं यहाँ अपने बाबा की वजह से आई हूँ ताकि उन्हें बुरा ना लगे बाद में। उसका पीछा मत करना। अगर आपने पुलिस को दोबारा मेरे पीछे लगाया तो नतीजे की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मैं दोबारा मैसेज करूंगा। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, कितनी खूबसूरत हो गई है। सिनान कहाँ हो तुम? ज़ैनब घर जाओ। हमारे घर जाओ और वहाँ मेरा इंतजार करो। मत करना, उस आदमी का पीछा मत करना प्लीज, उसने मैसेज किया है मुझे। ज़ैनब, अब ये मेरा भी मसला है, ठीक है? अगर ये वही आदमी है जिसने एलिफ को अगवा किया था तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट दूंगा, और अगर ये कोई चाल है उसकी तो मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि वो खुद इसका भुगतान भुगते। क्या मुझे मजीद पागल करना चाहते हो? उस गाड़ी का पीछा करो। क्या हुआ? क्या वो फिर भाग गया? नहीं नहीं, कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं। अंदर चले बताता हूँ। होशियार रहना, सामने वाली गाड़ी गायब ना होने पाए। क्या पुलिस में है? मैं उसका दुश्मन हूँ, गाड़ी रोकते ही मैं उसे शूट करूंगा। तुम सड़क में नजर रखो और पीछा करते रहो उसका। अहमद साहब, मेरे ख्याल से आपको जैनब से मिलने जाना चाहिए। मैं जान का ख्याल रखूंगा, हो सकता है कि आपकी बेटी मिल गई हो। मेरा नहीं ख्याल, कोई हमें पैसे के लिए फिर से बेवकूफ बना रहा है। आप नहीं जानते कि हम पर सालों से क्या गुजर रही है। देखें जैनब ने क्या कर दिया, उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो अकेले इस पार्क में कैसे जा सकती है? और उस लड़के ने क्या किया?
तुम अपनी माँ को रोकने की कोशिश करने के बजाय बच्चे की तरह भाग गए। तुम्हें लगता है कि इनके पास कोई और काम नहीं? क्या मैलिस के बाबा को तुम्हारे पीछे ही भागना चाहिए था? बड़े हो जाओ बेटा, बड़े हो जाओ। तुम नहीं जानते हर साल हजारों झूठी रिपोर्टें मिलती हमें, हाँ? फिर तुम अपनी माँ को उन धोखेबाजों के पास अकेले कैसे जाने दे सकते हो? क्या तुम मुझे फोन नहीं कर सकते थे? तंग आ चुका हूँ आप दोनों से, मुझे मजीद नहीं देखना है आप लोगों को। अपनी आंटी के घर जा रहा हूँ, अंकल ने रोक लिया था मुझे। बात सुनो मेरी, अब तुम हद पार कर रहे हो अपनी। तुम यहाँ हमारा इंतजार करोगे, तुम्हारी माँ को लेकर वापस आऊंगा। अहमद साहब, आप वक्त जाया ना करें, हम जान को ड्रॉप कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा होगा। जान, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन मिल गई हो। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। जरूरत नहीं है। किस्म की हरकत मत करिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। हमें उस औरत की जरूरत नहीं है। कहाँ है एलिफ? यहाँ नहीं है ना? अगर तुम पैसों के साथ यहाँ आती तो शायद मिल जाती तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं। तुम्हें पैसे देने वाला भी कोई नहीं है जैनब। तुमने उस साबिक पुलिस ऑफिसर को भी निचोड़ लिया है जैनब, उसने अपनी गाड़ी बेच दी है। उसकी बहन मुझ पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी, तुमने उसके जेवरात चुराए, यहाँ तक के पैसे भी चुरा लिए। मैं अदायगी करने वाली थी मगर सब गलत हो गया। बेफिक्र रहो, मैंने उनकी रकम भेज दी है। तो अब वो और कितना मांग रहे हैं? उन्होंने पैसे नहीं मांगे मुझसे। अहमद, थोड़ी देर पहले तुम्हारी बेटी भी यहीं बैठी थी जहां तुम बैठे हो। अल्लाह सब्र दे मुझे। वो बहुत बड़ी हो चुकी है, इतनी खूबसूरत कि मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी उससे। ज़ैनब, ऐसा मत कहो प्लीज। अहमद, वो एलिफ थी। क्या हुआ था मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। ठीक है, तुम जानते हो ना कि मुझे उस इमारत की छत पर एक पैगाम मिला था। एक और पैगाम भी भेजा उसने, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया। इत्तेफाक से उस वक्त एलिफ भी यहीं थी, उसने बातें की मुझसे। खुदा के लिए ज़ैनब, एक माह से लिया गया कौन सा बच्चा बरसों बाद आकर सुकून से उसके साथ बैठ कर बात करेगा? देखो मेरी जान, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है बस। खुदा के लिए मेरा यकीन करो, वो उस किडनैपर को अपना बाप समझती है। मैंने उसे पैदा करने के फौरन बाद छोड़ दिया था, यही कहा है उसने बच्ची को, क्योंकि सच तो वो उसे बता नहीं सकता। क्या कहेगा, मैंने एक वाक किया था तुम्हें। अच्छा तो फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, अभी कुछ भी करना खतरनाक होगा। अपनी बेटी की मेंटल हेल्थ के लिए हमें वही करना होगा जो वो आदमी हमसे कहेगा। कैसी मेंटल हेल्थ? ज़ैनब तुम क्या कह रही हो? इसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ क्या रह चुकी होगी? एलिफ मुझसे नफरत करती है। खैर, जब तक मिल नहीं जाती मुझे, करती रहे नफरत। उस बच्ची को एलिफ बुलाना छोड़ दो,
क्या कभी उस बच्चे के साथ कोई आया? बताओ मुझे, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हर बार क्यों उनके जाल में फंस जाती हो। अच्छा फिर क्या हुआ? क्या वो आसानी के साथ यहाँ से ऐसे ही चले गए? वो यहाँ कुछ करने नहीं आए थे, सिनान को सब पता है, उसने पीछा किया उसका। तुमने मुझे कॉल नहीं की और उससे कॉल कर ली क्यों? हुआ कुछ यूं था कि पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस कर लिया था। उन्होंने एक स्क्वाड कार उस आदमी के घर भेजी, मगर जब उसने वो स्क्वाड कार देखी तो सिनान ने अपने आदमियों को वापस बुला लिया। खुफिया नंबर का पता चल गया और वहाँ का एड्रेस भी मिल गया। ओहो, बहुत अच्छा, ऑपरेशन शुरू हो चुका है और सिनान इंचार्ज है, माशाल्लाह। मुझे मालूम हो ना हो किसको क्या फर्क पड़ता है। यार तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी शिकायतें तो कम ही नहीं होती। कम से कम सिनान को इस तरह जाने देने से पहले उसको खूब पीटना चाहिए था। अच्छा चलो अब चलते हैं। मुझे ऐसे मत खींचो, कहाँ जाना है? घर, जान इंतजार कर रहा है, उसने कहा कि वो अपनी खाले के साथ रहना चाहता है, वो हम दोनों से बहुत नाराज है। जब मरियम वापस आएगी तो फिर क्या होगा? क्या वो एक साथ उसी घर में रहेंगे? इजाजत दोगे तुम इसकी? उससे अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा तो ये बात है, मरियम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी और मैं उस औरत को अपने बच्चे के साथ नहीं रहने दूंगी। वो जान को पुलिस के हवाले करना चाहती थी, भूल गए तुम? अगर जान ने दोबारा कोई हरकत कर दी या उस मरियम ने कुछ कर दिया फिर क्या होगा बताओ मुझे। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? मरियम अब हमारे साथ नहीं है, उसका किस्सा खत्म, यकीन करो। अस्पताल से निकलने के बाद वो अपनी बहन के पास जा रही है। खुशामदीद भाई। शुक्रिया अमर। क्या हुआ भाई, चाय मंगवाऊं? नहीं शुक्रिया। लड़कों ने मुझे बताया आपने पार्क के बाद उस आदमी का पीछा किया। हाँ अमर, मैंने उसका पीछा किया और फिर थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, बच्चे की हालत देखकर हाथ बन गए। वैसे भी अभी तक तो हम ये भी नहीं जानते कि हकीकत में वही बच्ची है या नहीं। चलो तुम बताओ तुम्हें क्या पता चला। जी बिल्कुल, उस शख्स का नाम साबरी अलमास है, उसने अपनी बीवी बानो अलमास को 2015 में एक हादसे में खो दिया। उसकी एक बेटी है जिसका नाम सुधा है, यह आदमी जासूसी नॉवल लिखता है और उनका तर्जुमा करता है, और वो एक अमीर घराने से है। वो पढ़ा लिखा और एक समझदार आदमी है, बच्चों को अगवा करने वाला अगवाकारों जैसा नहीं लगता, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। कल ही एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने एक दुकान को लूट लिया। लेकिन बच्ची अलिफ से बहुत ज्यादा मिलती है। ज़ैनब क्या कहती है? वो तो चाहती है बच्ची जल्द से जल्द मिल जाए, आदमी बच्ची को नुकसान पहुंचाए बगैर हवाले करना चाहता है, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचता। क्या वो नहीं जानता कि जैसे ही वो बच्ची को हवाले करेगा पुलिस उसे दबोच लेगी? वो बड़े आराम से घर वापस लौट गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है? खबर है ना, वीडियो कॉल करने का मतलब यही है कि तुम ये मेरे सामने कहना चाहते थे। बदकिस्मती से तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुम्हें फौरन एडमिट होना होगा साबरी। तुम्हारी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, समझो इस बात को। हम और वक्त जाया नहीं कर सकते साबरी। इल्मी, सुधा को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं, एडमिट नहीं हो सकता मैं। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे साबरी, तुम्हें एडमिट होना ही पड़ेगा। जल्दी अपनी बेटी सुधा का इंतजाम कर लो, अब उसे तुम्हारे बिना ही जीना होगा। तुम्हें लगता है ये बात मैं नहीं जानता? मैंने इंतजाम शुरू कर दिए हैं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा वक्त और दरकार है डॉक्टर। मेरी बेटी अभी तक तैयार नहीं है, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। हम उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब तक कोई नई इतला या पैगाम नहीं आता उसका, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। परेशान ना हो भाई, हम नजर रख रहे हैं। देखो वो आदमी एक चालाक शख्स है, होशियार रहो, उसे खुद पर शक ना होने देना, खुद को छुपाए रखना। भाई वो आदमी जासूसी नॉवल लिखता है, वो स्टेशन के हर आदमी को पहचान लेता है, वो अपनी तहकीक की वजह से महकमे के बारे में बहुत कुछ जानता है, यकीनन उसने कार को भी पहचान लिया होगा।
हाँ जानता हूँ। हर साल कुछ लोग फोन करके दावा करते हैं कि उनके पास हमारी बेटी और हर बार तुम उनकी बातों में आ जाती हो। वो हमारी ही बेटी है, उसकी आंखों में देखा मैंने। क्या मैं अपनी बच्ची को नहीं पहचानूंगी यार अहमद, वो वही थी। एलिफ एलिफ चिल्लाते हुए गलियों और पार्कों में तुमने दूसरों पर जो हमला किया, बस इसी एक गलती की वजह से तुमने हॉस्पिटल भेज दिया था मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें अस्पताल क्यों भेजा गया था। बीमारी की वजह से तुम कुछ नहीं खाती थी। क्या तुम्हें याद नहीं कि भागकर पार्कों में सोती थी, कितने लोगों पर पत्थर बरसाए, तुम्हें मारा पीटा गया, तुम जख्मों में चूर, एक आध हड्डी तुड़वा चुकी थी। क्या मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता? वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था अहमद। बेटी अगवा हो गई थी मेरी, और मेरी नाक के नीचे मेरा शौहर मेरी फ्रेंड के साथ अफेयर चला रहा था। मतलब ऐसे तो कोई भी पागल हो सकता है ना। ये भी तो हो सकता है कि मैंने अपने दुखों से निकलने के लिए ऐसा रास्ता तलाश किया। सैनम, तुमने भी तो मेरे लिए आसानी पैदा नहीं की। न सिर्फ एलिफ की वजह से तुमने खुद को बर्बाद किया, बल्कि तुमने अपनी हरकतों से मुझे बहुत शर्मिंदा किया। इस खबर की वजह से अस्पताल में किसी का सामना नहीं कर सकता था। बस इतना झूठ मत बोलो यार, तुम्हारा चक्कर मरियम से बहुत पहले शुरू हो चुका था, बल्कि शहर मुंतकिल होने से भी पहले। उस घर में जब से हम शिफ्ट हुए थे तब से। खैर जाने दो, इस झगड़े में पहले ही 5 रिश्ते खो चुके हैं हम, अब दोबारा शुरू मत करना। तुम तो मुझसे 10 रिश्तों की कीमत अदा करवा चुकी हो। चलो छोड़ इस मौसम को। अच्छा तो कीमत तुमने अदा की है? क्या कीमत अदा की है बताओ मुझे। मैंने तुम्हें खो दिया, क्या ये काफी नहीं ज़ैनब? मेरी ज़ैनब मुझसे दूर हो गई और उसकी जगह ये पागल औरत आ गई। ये बताओ कि आजकल सिनान क्या कर रहा है? टैक्सी चला रहा है, आजकल बहुत परेशान है। परेशान वो तुम्हारी वजह से है ज़ैनब। उसे गाड़ी बेचने का मैंने नहीं कहा था। सिनान साहब आए हैं। ये क्या तरीका है, जब कोई आए तो आपको पहले मुझे कॉल करना चाहिए। वो मैडम, मैं समझी कि आप भी इनसे मिलना चाह रही होंगी। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सुबह मुझे ठीक तरह अलविदा नहीं किया था, इसीलिए आए हो यहाँ? माफी चाहता हूँ, ज़ैनब की बेटी के हवाले से खबर मिली थी, इसलिए गया था।
जैनब के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं सना। रिदा देखो, मैं उस बच्ची के पीछे गुज़िश्ता 5 साल से हूँ और यकीनन मैं उस आदमी को तलाश कर लूंगा जिसने उस मासूम बच्ची को अगवा किया है। इसलिए जैनब को कसूरवार मत समझो। तो क्या वो बच्ची मिल गई है फिर? एक बच्ची मिली है लेकिन हम नहीं जानते कि ये वही है या उन झूठी लीड्स में से एक हो सकती है। जब तक वो बच्ची जिंदा या मुर्दा मिल नहीं जाती हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना सिनान? दरअसल मैं तुम्हारी बताई हुई जॉब ऑफर के लिए यहाँ आया था रिधा। मैंने सोचा कि मैं फोन नंबर ले लूं लेकिन ऐसा लगता है कि तुम शायद मेरा चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिनान पागल मत बनो, नंबर भेज रही हूँ तुम्हें। ओके थैंक्स, जैसे ही मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। सिनान वाकई तुम्हें समझती हूँ मैं जानती हूँ कि तुमने इसे अपने गुरूर का मसला बनाया हुआ है। तुम बच्ची को ढूंढकर ये साबित करना चाहते हो कि तुम सही थे और उस वक्त तक हार नहीं मानोगे जब तक उसे तलाश नहीं कर लेते, मगर इस तरह हमें कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। मैं ठीक नहीं हूँ, हर वक्त तुम्हें नाराज कर देता हूँ, मुझे खुद पर एतमाद नहीं रहा रहता। जरा सी बात पर मैं अपना आँख खो देता हूँ, तुमने देखा है। अच्छा खैर, तुम आज रात घर तो आओ, हम साथ खाना खाएंगे, फिर सारी बातें सुकून से कर लेंगे और तुम मुझे बताना कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा, ठीक है? आखिरकार हम अच्छे दोस्त भी तो है ना। यकीनन। नंबर के लिए थैंक्स। यू वेलकम। कांटेक्ट करके बता दूंगा तुम्हें। ओके, सी यू सून। हेलो रमन साहब, मुझे अभी आपसे फौरी मिलना है। रिदा, मैं चंद दिनों तक किसी से नहीं मिल सकता, मैं अपॉइंटमेंट्स नहीं ले रहा। लेकिन क्यों? तबीयत नासाज़ है, बिस्तर पर पड़ा हूँ। नहीं, मैं अभी आपके लिए फौरन सूप लेकर आती हूँ। ओके, जब आप मेरा मसला सॉल्व कर देंगे उसके बाद जितना चाहे आराम कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रमन साहब डोंट वरी, डबल पेमेंट कर दूंगी मैं। नहीं नहीं, बात पैसों की नहीं है, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? वाकई बहुत बीमार हूँ, बहुत। अगर वाकई जरूरी काम है तो आ जाओ यहाँ और बस जान लो कि मैं उठने की हालत में नहीं, बस ये सोच कर आना। ठीक है ठीक है, आती हूँ मैं। देफो देफो, इधर आओ फौरन। जी उस्ताद। मिस रिदा आ रही है। शॉपिंग मॉल वाली? हाँ वो ही। जाओ जाकर इस कार जैसी कोई चीज ढूंढो, ये पट्टी छुपानी है, समझ गए? हाँ, वो डबल फीस देगी। ओह, ये तो बहुत अच्छा है, हमें पिछले 2 दिनों में एक कार की कीमत जितना नुकसान हुआ है। किसका कसूर है? तुम वहाँ एक बुत की तरह खड़े रहे, अगर आइंदा कुछ ऐसा हो तो तुम्हें गोली की तरह आना होगा यहाँ, तुम्हें चुस्त होना है और अपने मालिक की हिफाजत करनी है। हाँ वैसे तुम उस औरत को जानते थे और मुझसे एक लफ्ज नहीं कहा, चलो जाओ दफा हो जाओ और मेरे लिए कोई स्कार्फ ढूंढो। क्या गुस्सा हो? तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं, है ना? इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे जोर से गले लगाना होगा, ठीक है? फिर मैं सोफे पे लेट जाऊंगी तो मेरे लिए एक अच्छी सी हर्बल टी बनाकर लाओगे। क्या ठीक है? हाँ ठीक हूँ, कुछ
टाके लगे हैं लेकिन ठीक हूँ। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं आपके लिए हर्बल टी लेकर आता हूँ। मुझे माफ कर दें, जब मैंने अम्मी को इस तरह से देखा तो मैं जान, शायद तुम इस दुनिया के वो वाहिद बच्चे होगे जो इस सदमे से गुजर रहा है। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। तुम्हारी मामा को संगीन मसाइल हैं बेटा, लेकिन हम एक फैमिली हैं। हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना? ये खत्म हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। बाबा जान, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सूप बनाने वाली हूँ, बहुत सारे अदरक वाला। लेकिन मुझे थोड़ी सी यखनी भी चाहिए, बस थोड़ी सी, जिससे आपको मतली ना हो। सुधा, तुम चाहे ये बात मानो या ना मानो, ज़ैनब ही तुम्हारी हकीकी माँ है। आप चाहते थे मैं मिलूं और मैं मिली, क्या हम अभी उनका जिक्र छोड़ सकते हैं? मेरे साथ आओ। यहाँ आओ। उसने तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, उसके हालात ठीक नहीं थे। मैं तुम्हारी मामा बानो से शादी करने ही वाला था। मैं प्यार करता था उससे, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता था। बानो ने तुम्हें अपना बच्चा मान लिया था सुधा। ज़ैनब को तुम्हारे बगैर अपनी पूरी जिंदगी जारी रखनी थी, तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि वो तुम्हें ऐसी जिंदगी फराम नहीं कर सकती थी। अगर आप मेरी मम्मा बानो से इतना प्यार करते थे तो दूसरी औरत से आपका बच्चा क्यों पैदा हुआ? मानता हूँ ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती की। मुझे सूप बनाना है। आपने आयशा को क्यों भेजा? अब मुझे सारे काम खुद करने होंगे। ज़ैनब एक अच्छी इंसान है, उसने तुम्हें बहुत याद किया। मेरे जाने के बाद उसे अपनी देखभाल की इजाजत दे देना। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके लिए अच्छा सा सूप बना देती हूँ, जिसे पीकर आप बेहतर हो जाएंगे। दर्द ये का